विदिशा पठारी हवेली गौशाला में आज कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दो ही गायों के कंकाल पड़े मिले। इस दौरान कुछ कमियां देखने को मिली। कलेक्टर द्वारा जल्द से जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया और पानी की कमी को लेकर कलेक्टर ने मौके पर बोर्ड लगवाने के लिए बोला गया है। कलेक्टर उमा शंकर भार्गव द्वारा बताया गया कि कुछ शिकायत मिली थी, जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, उसको भी जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए तहसीलदार को आदेश दिए और कहा गौशाला होती है वहाँ इतनी मात्रा में तो कंकाल रहते ही है, कुछ गाय की उम्र पूरी होने से मौत होती है। एक नई गौशाला जो फॉरेस्ट विभाग ने बनाई है ये भी हैंडओवर हो रही है। एक हम नया बोरिंग यहाँ पर और कराएंगे। यहाँ पर चारा उगाने के लिए भी हमने राजस्व से जमीन आवंटित की हुई है। अभी मुझे एक शिकायत मिली थी कि उसके कुछ भाग पे अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि उसमें फसल नहीं बोई हुई है, खुली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर हम मवेशियों के लिए फेंसिंग करा करके और चारा उत्पादन का काम भी करेंगे।